हम बने के नमाजी प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह 169 बच्चों ने हिस्सा लिया। ये वो बच्चे थे जो 8 साल से 25 साल के थे, जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। मैंने 40 दिन नमाजें पढ़ी हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी साइकिल निकली है। काबिल स्ताइश है, बच्चों को दीन की तरफ जोड़ना, मस्जिद के साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ी काबिश है। मैंने 40 दिन नमाज पढ़ी है, मुझे नकद इनाम और शील्ड और टोपी मिली है। बच्चों को नमाजी बना रहे हैं, जिस वक्त बच्चे नमाजी बन जाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चों का किरदार मुस्बत होगा, बच्चों की सोच मुस्बत होगी। आपकी कौन सी पोजीशन आई है? फर्स्ट पोजीशन है। क्या मिला आपको? एक कैप मिली है, नकद इनाम मिला और शील्ड मिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन अली और आज मैं मौजूद हूं गुजरात के गांव साका में। तो नाज़रीन, यहां के लोगों ने बच्चों और नौजवानों को 5 वक्त का नमाजी बनाने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की है, जिसमें 10 साल से लेके 25 साल तक के नौजवान जो बाजमात नमाज 40 दिन अदा करेंगे उन्हें मिलेंगे मुख्तलिफ किस्म के इनामात। तो आइए चल के इंतजामिया से बातचीत करते हैं। हम बनेंगे नमाजी प्रोग्राम कब से शुरू है? ये इस दफ़ा हमने दूसरे साल ही एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट टाइम हमने अभी पिछले साल किया था और इसका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया आवाम में, बच्चों में इसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई। इस वजह से इस दफ़ा भी बच्चों की ज़ोर फरमाइश पर और नौजवानों ने भी इसमें काफ़ी दफ़ा हमें रिक्वेस्ट की, तो इस बिहाव पे हमने इसको दोबारा इस दफ़ा एग्जीक्यूट किया। तमाम मकबे फिक्र तमाम मसाजिद में ही हमारी अटेंडेंस शीट और हमारे जो वहाँ पे कारी साहिबान वहाँ उनको हमने अपनी अटेंडेंस शीट पहुँचाई हुई थी और जो बच्चे भी बाद जमात नमाज अदा करते थे सिर्फ उनकी अटेंडेंस उसमें लगती थी, जो बच्चे बाद में अदा करते या नहीं पहुँच पाते उनकी इसमें अटेंडेंस शामिल नहीं है। ये प्रोग्राम जो मुनाकिद करवाया है इसमें कितने स्टूडेंट ने हिस्सा लिया? जी, हम बने के नमाजी प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह 169 बच्चों ने हिस्सा लिया। ये वो बच्चे थे जो 8 साल से 25 साल के थे, जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं या इल्म तलीम से फारग हो चुके हैं। सिर्फ उन बच्चों को इनामात दिए गए हैं जिन्होंने बाजमात नमाज 40 दिन अदा किए या दूसरे बच्चों को भी इनाम दिए? नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 3 पोजीशन रखी हुई थी। पहली पोजीशन जिन्होंने 40 दिन पूरी नमाजें पढ़ी हैं, दूसरी पोजीशन थी जिन्होंने 5 नमाजें छोड़ी हैं मतलब 195 नमाजें, और जबकि तीसरी पोजीशन हमने रखी थी वो 150 तक था, तो मतलब उन्होंने अगर 150 नमाजें 200 में से पढ़ लिए तो उनको हमने रखा हुआ था। इसके अलावा और कौन कौन से काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साका वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है, जिसमें हमारा RRD जो गर्मियों की छुट्टी में था हम बनेंगे नमाजी था, और लड़कियों और लड़कों के लिए फ्रीलांसिंग कोर्स था कंप्यूटर जी। तो उसके बाद हमने अपना रोज़गार स्कीम स्टार्ट की है, जिसमें हमने 3 लोगों को कारोबार बना के दे दिया हुआ है। और ये जो इनामात हैं इनका इंतजाम कैसे हुआ? जी, ये जो इनामात है अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव के लोग हमारे साथ तआमुल करते हैं, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो अपनी तफरीक के मुताबिक मंथली और जब भी हम उनको आवाज़ देते हैं हमें पैसे भेज देते हैं। सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट था मैं बनूँगा नमाजी, तो ये तो आज कम्प्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के अलावा हम तकरीबन जो है ना, एक तो ज़रात वाला शोबा और एक लाइफस्टाइल वाला, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये ज़मीन की आबादी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ज़मीन है हमें देखना चाहिए कि ये जो ज़मीन है ये इसमें कौन सी पैदावार बेहतर होती है। जैसा कि हमारी एक ज़मीन है, तो अब मैंने इस दफ़ा उस ज़मीन में क्या किया कि वो ज़मीन जो है हमारी दरमियानी सी है, रेतली ज़मीन है, तो वहाँ पर ना तो दूसरी कोई और फसल होती है। तो इस दफ़ा मैंने तजर्बे के लिए वो एक काम किया है कि वहाँ पे मैंने मूंगफली की जो है वो काश्त की है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा अपने एरिया में जो हमारी मूंगफली भी काश्त की हुई है ना, उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा इंशाल्लाह। मेरा नाम है जाफर इफ्तिखार है, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल नागरी हूँ और अभी मैं कोटला से आ रहा हूँ। मुझे खुशी दावत दी थी और मैंने आके देखा है इनका प्रोग्राम, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जी। कहीं बड़ी खुशी होती है इनके काम चेक करके, ये जो कंप्यूटर कोर्स करवा रहे हैं, दूसरे जितने भी ये काम कराए मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा काम है और ये इनकी खुसूसी काविश है। और बच्चों को इधर इन्होंने मुस्बत का कामों पे लगाया हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके मुस्बत असरात होंगे, हमारे बच्चे थोड़े सुलझ जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। दीन के साथ साथ दुनियावी काम भी कर रहे हैं कि बच्चों को हुनर वगैरह भी सिखा रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? देखें जी, ये पहले तो बात है कि ये बच्चों को नमाजी बना रहे हैं, जिस वक्त बच्चे नमाजी बन जाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चों का किरदार मुस्बत होगा, बच्चों की सोच मुस्बत होगी। और इसके साथ साथ वो इनको प्रोफेशनल भी सिखा रहे हैं, हुनर भी सिखा रहे हैं और इंशाल्लाह वो बेहतर तरीके से सर अंजाम देंगे। असर फात, मैं कॉलेज से आया हूँ स्पेशल साका वेलफेयर सोसाइटी के हम बने के नमाजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए कह रहे हैं या देखने के लिए कि इनकी ये कैसी काविश है, क्योंकि इन्होंने पिछले साल भी ये प्रोग्राम कराया था तो उनकी को देख कर हमने अपनी मस्जिद जामा मस्जिद कॉलेज में भी ये प्रोग्राम रखा था।
लेकिन इनका प्रोग्राम समझता हूँ ज़्यादा मुनज़म है क्योंकि दूसरा साल है और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पाँच छः मसाजिद हैं इनकी जिनमें ये प्रोग्राम रखा गया है। सिर्फ एक गांव नहीं, इतनी ज़्यादा मसाजिद हैं और बड़ा गांव है, तो काबिल स्ताइश है। बच्चों को दीन की तरफ जोड़ना, मस्जिद के साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ी काबिश है इसका। मतलब इनसे मोटिवेट होकर आपने अपने गाँव में भी काम ये शुरू किया? जी बिल्कुल, पिछले साल इनका देखा था प्रोग्राम, तो देख कर हमें रश्क पैदा हुआ था, फिर उनको देख कर हमने इस साल शुरू किया था प्रोग्राम। हमारा भी प्रोग्राम अच्छा रहा लेकिन इनका ज़्यादा अच्छा। तो नाज़रीन, ये थे नौजवान जो कि अपने गांव की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहसिन अली को दें इजाज़त और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट गुजरात।